आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब भरवा भिंडी की सब्जी। आप एक बार इस तरीके से भरवा भिंडी बनाकर देखिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। चलो बनाते हैं भरवा भिंडी की सब्जी। भरवा भिंडी बनाने के लिए चाहिए 2 बड़े चम्मच बेसन, क्रश किए हुए सिंगदाने 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून गार्लिक की पेस्ट, 1 टेबल स्पून चीनी और धनिया के पत्ते और 2 टेबल स्पून तेल और 250 ग्राम भिंडी और सारे हमारे खड़े मसाले। हम भरवा भिंडी का मसाला बनाते हैं। उसके लिए एक बाउल में हम बेसन ले लेंगे, उसमें क्रश किया हुआ पीनट्स डालेंगे, तेल डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, फिर हम ऐड करेंगे गरम मसाला, फिर हम उसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, फिर हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून चीनी और धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे और 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारे भरवा भिंडी का मसाला बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है और फिर अब मैंने भिंडी को आगे से और पीछे से कट कर लिया है और बीच में से कट करके 2 टुकड़े कर दिया है और उसमें एक लाइन बना दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने भिंडी को बीच में से कट कर लिया है। ऐसे ही हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने सारे भिंडी को कट कर लिया है। अब हम उसमें बीच में से जो भिंडी को कट किया था वहां पे सारा मसाला भिंडी का भर लेंगे। ऐसे ही हम सारी भिंडी को अच्छे से मसाले से भर लेंगे। मसाला भर जाने के बाद अगर मसाला हमारा बच जाता है तो हम उसको साइड में रख लेंगे और उसको हम तड़के के टाइम पे यूज कर लेंगे। हमने सारी भिंडी में अच्छे से मसाला भर लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब हम उसमें राई ऐड करेंगे। राई हमारी अच्छे से चटकने लग गई है। अब हम उसमें जीरा ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हींग और करी लीव्स ऐड कर लेंगे। तो भिंडी भरते भरते मेरा तो मसाला बच गया था तो वो भी मैंने तेल में ऐड कर लिया है और अब मैं उसको अच्छे से मिला लूंगी तेल में। हम उसमें भरी हुई भिंडी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे जो और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसको ढक के एक साइड पे हम लो आंच पे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है। अब हम उसको अच्छे से मिक्स करके एक बाउल में निकाल लेंगे। ये सब्जी बनके रेडी है। अब इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप घर पे बना के जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी।